हेलो गाइस, हाय गाइस। आज हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक कर रहे हैं। ये सारे मेरे भाई। यो आ गए। जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक हमने बेस कैंप से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से 1.2 किलोमीटर का ट्रैक है एवरेस्ट हाउस तक का। उसके बाद अगर आपको पीक पे जाना है, पीक पॉइंट पे, तो वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी हम कवर करेंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक का सफ़र। बेस कैंप से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक के लिए एक गाड़ी भी चलती है, जिससे आप शेयरिंग में जा सकते हैं। और अगर आपको पीक पे जाना है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से, तो आपको ट्रैक करते हुए जाना होगा। एकदम पता नहीं जाओ बीच में ना गली टाइप। इन लोगों को ये ऊपर जाना है। 100 तक गिनो आ रहे हैं। एडवेंचर करने का मन है। इधर से जाओ, इधर से। और ऊपर जा बेटा। भाई इतना ऊपर चला गया दिख नहीं रहा पत्थर कौन सा है। अबे तुमको ऊपर जाना पड़ेगा। उससे तो नहीं नहीं मैं ज़ूम करके खड़ा हूं। ये मेरी इरा है। ये हमने रोमानिया से आया बुलाई है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक है 1 किलोमीटर का, वो कर रहे हैं। इनके भाई बहन लोग आए हैं, तो सबको बस घुमाने लेके आया हूँ। जिया जी का फर्ज निभाना। ये सारे ऊपर। इरा, इरा से हाय। इरा किकू? अभी इरा मूड में नहीं है, उसे नींद आ रही है। वर्षा पोज देती हुई। इरा पापा आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। ये यहाँ पे लग्जरी कैंप भी है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे व्यू के साथ। कैंपिंग रिजॉर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, जो आपको नीचे जा कर के पिक करेंगी। आपको यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स भी मिलते रहेंगे, खाने पीने के, पानी, जूसेस, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, जो आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। थोड़ा सा महंगा होता है नीचे से, क्योंकि ये ऊपर लेकर के आते हैं पहाड़ों पर। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी के पास सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। तो अगर आप मसूरी जा रहे हैं, तो आपके लिस्ट में जॉर्ज एवरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। ये ठंड में पूरे बर्फ़ से ढकी होती है, तो यहाँ का व्यू बहुत ही अलग होता है। वेदर तो आप समझ ही सकते हैं कितना ठंड होगा यहाँ पर। अभी हम गर्मी में गए हैं, तो ही यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था ऊपर जा कर के। आप अपने साथ यहाँ पे अम्ब्रेला और शूज़ अच्छे और विंटर्स के कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ। बादल के बीच में हम लोग आ गए। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। बहुत मजा। रेड भाई कैसा फील हो रहा है? फीलिंग गुड। Thank you.
देहरादून से मैं जा रही हूँ अपने मामा के पास। हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के पास पहुंच गए हैं और यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो गया है नीचे के अकॉर्डिंग। क्लाउड्स मेरे सामने से निकल रहा है आप देख सकते हैं। 1.2 किलोमीटर का ट्रैक था बट पता ही नहीं चला कि हम कब ऊपर पहुंच गए सबके साथ मस्ती करते हुए। काफ़ी अच्छा रहा हमारा ट्रैक ये। अभी चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। खाने पीने के भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और हम बादलों के बीच में ईरा को चुम्मे लेते हुए गुन्नू। अरे यार इसको ठंडी तो नहीं लग रही गुन्नू। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। ये जो पीछे मेरी गाड़ी दिख रही है यही आपको बेस कैंप से यहाँ तक लेकर के आएगी। तो हम जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पहुँच चुके हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है और यहाँ पे सारे बच्चे सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे खाने के भी, तो आप यहाँ पे बैठ कर के इंजॉय कर सकते हैं व्यू के साथ। तो चलिए हम चलते हैं आगे का अपना ट्रैक कंप्लीट करते हैं। तो हम निकल गए हैं अपने ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से तो और भी प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं। आप माउंटेन्स में जिस भी वेदर में जाएंगे आपको हर एक टाइम पर अलग अलग व्यू देखने को मिलेगा। हम मानसून में गए हुए हैं तो मानसून में तो पहाड़ों पर सारे बादल बिल्कुल नीचे आए हुए होते हैं और वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमने अपने ट्रैक को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था और ईरा हमारे साथ में थी। यहाँ पे काफ़ी बारिश होने लगी थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम फिर से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर आ गए हैं। अब हम जैसे ही बारिश रुकेगी यहाँ पे तो हम निकल जाएंगे नीचे। नेक्स्ट टाइम कभी फिर हम आ करके यहाँ पर अपना ट्रैक कम्प्लीट करेंगे। तो हम नीचे के लिए निकल गए हैं। नीचे हमें बेस कैंप तक जाना है पैदल ही क्योंकि वो जो गाड़ी चलती थी वो भी 5 बजे तक ही चलती थी, अब वो बंद हो गई है। तो हमें वॉक करते हुए ही जाना होगा। बेस कैंप पे हमारी गाड़ी है तो हम वहां तक वॉक करते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।